पीएम आवास के नाम पर अवैध धन असूली, जांच टीम ने बनाया पात्र को अपात्र। मुख्यमंत्री ने पोर्टल से नहीं मिला पीड़ित को न्याय। खबर है उत्तर प्रदेश के बारह जिले के विकासखंड तेजवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत तेगाई के मजरा इनामी जसोरा में प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा लाभार्थियों से अवैध धन असूली व पात्र लाभार्थियों को अपात्र घोषित करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की शिकायत में पीड़ित ने राज्य अनुसूचित जाति का आयोग सहायक निर्देश किया गया। गाँव निवासी के सुनीता पत्नी शिव कुमार ने पात्र लिखकर बताया कि प्राथमिक अनुसूचित जाति है। प्राथमिक और घर मिट्टी का बना हुआ है, जिस पर छप्पर रखा हुआ है, उसी में अपना परिवार के साथ गुजर बसर कर रही है। प्राथमिक द्वारा प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के पक्के आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, किंतु प्रधानमंत्री आवास प्लस रजिस्ट्रेशन सूची की जांच हेतु गठित टीम द्वारा अपने जांच से समय लाभार्थियों को फर्जी रिपोर्ट लगा दी, जिससे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सका। इसके बाद में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राम कुमार आर्य द्वारा आवास दिलाने के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की गई, जिससे प्राथमिक ने दे दिया, लेकिन अभी तक पीड़ित को आवास नहीं मिला है। मामले की शिकायत जब पीड़ित ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर किया तो पोर्टल पर जांच टीम द्वारा लाभार्थियों को अपात्र बवा पक्का मकान बना होने का हवाला देते हुए शिकायत को खारिज कर दिया। खंड विकास अधिकारी द्वारा तेजवापुर चंद्र मोहन यादव ने बताया कि हम अश्विन लाभार्थी के घर जाएंगे, यदि लाभार्थियों को पात्र पाया जाता है तो उसे आवास प्लस सूची में शामिल कर आवास दिया जाएगा। मैं आपका सुनीता, किस ग्राम पंचायत के आप निवासी हैं? तिंगाई जसौरा इनाम। क्या समस्या क्या है? कच्चा घर था, वो लोग जांच पे आए, जब तो जांच करें तो बोले कि खर्चा दे दो 5,000 रुपये, हम आपको पक्का दिला देंगे। फिर उसके लिख दिए हैं कि पक्का बना हुआ है, मिला भी नहीं आवास। राम कुमार। कौन है ये? सिक्रेटरी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। किस ग्राम पंचायत के आप निवासी हैं? इनामी टिंगाई। क्या समस्या है? समस्या आवास सूची में नाम रहा है, सूची से नाम कार्ड का घर दिखा देने, कच्चा या पक्का की पात्र ना ही। सिक्रेटरी राम कुमार जी। 5,000 रुपया ले लिए हैं खर्चा कि आवाज तुमका दिया बे, पहले नंबर में सूची में नाम दिया तो कर नाम काट दे। आप अपने परिवार के साथ में घर में कितने दिनों से जीवन यापन कर रहे हैं? जी 10 साल हो गया जी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों? अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमारा घर पक्का मिल जाए, और बस यही कह रहे हैं, और जांच लग जाए, देखा जाए, जांच पर यहाँ देखा जाए कि घर पक्का बना है कि कच्चा बना है, मौके पर देखा जाए। जी वीडियो का दिए, डैम का यहाँ दिए हैं, लखनऊ आयोग में दिए हैं। कितने दिनों से मामला चल रहा है? मामला 11 तारीख 11/6 2021 दिए हैं।